हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन वन ब्रांड मेकअप लुक क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा ये लुक। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस लुक को मैंने काफ़ी ईजी तरीके से किया, अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल सिंपल सा मेकअप लुक है। आई मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा ईजी सा है। और अगर आप लोगों को कोई भी मेकअप लुक देखना है तो कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, वो जल्दी ही मेकअप लुक में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया है। कोई भी कमी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, हल्के हल्के से। ये देखिए, यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। इसको मैं लगाऊंगी अपने आई पर थोड़ा थोड़ा सा, मैं लेके इस तरीके से हल्के हल्के से अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए, जस्ट लाइटली एक ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के से ब्लेंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसके बाद हम लेंगे ब्लू हेवन का फेस ग्लो फेस पाउडर। ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं सबसे पहले पिक करूंगी ये वाला पिंक शेड, लाइट है जिसकी ट्रांजिशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसको लाइटली जस्ट क्रीज में लगाऊंगी जब तक मेरा साड़ी का कलर है, पिंक टोन की साड़ी है पिंक और ग्रीन की, जब तक वो कलर मुझे नहीं मिल जाता जब तक मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा क्रीज में अप्लाई करती रहूंगी। अब हम थोड़ा सा ग्रीन शेड पिक कर रहे हैं और ग्रीन शेड को मैं आईलेट पे लगाऊंगी जब तक ग्रीन शेड मेरी साड़ी की मैचिंग का नहीं आ जाता। तो थोड़ा सा डार्क रखना है, पिंक से डार्क रहेगा ये, इस तरीके से हल्के हल्के से अप्लाई कर लूंगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है ना। तो बस, और इसके बाद मैंने लिया ब्लू हेवन का काजल और एक ब्रश, उसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईब्रो पेंसिल नहीं मिल रही है, खो गई है जब इस घर में आई हूँ। कई दिन से ढूंढ रही थी, मुझे मेकअप भी करना था लेकिन नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो काजल से ही काम चला लेते हैं। और यहाँ पर ले रहे ब्लू हेवन का फाउंडेशन, जो काफ़ी अच्छा है, बजट में है। मेरी स्किन टोन से देखिए कितने अच्छे से जा रहा है, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट हो रहा है आप देखो, और अच्छा सा ग्लो भी दे रहा है। तो ये फुल कवरेज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं चाहिए तो ये फाउंडेशन आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है, बजट में भी है और नेक पे भी और फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फेस ग्लो है ये पाउडर, काफ़ी अच्छा है। इसको थोड़ा सा जहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं वहाँ पर हल्का हल्का सा कुछ देर के लिए लगा लेंगे, इस तरीके से छोड़ देंगे। और इसके बाद जो हमारे ब्रश में काजल लगा था, मैं दोबारा काजल नहीं लेना है, जो ब्रश में लगा था जिससे मैंने आईब्रो फिल की थी उसी को हल्के हल्के से जस्ट लाइटली अप्लाई कर लेना है। और फिर से पिंक वाला शेड मैं साइड में लगाऊंगी आउटर कॉर्नर पे हल्का सा, और यहाँ से मैं गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे हाफ में लगाऊंगी, हाफ में पिंक और हाफ में गोल्डन। देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्यारा अच्छा वाला लुक आ गया है इस तरीके से। और अब हम जो हमने पाउडर लगाया था उसको पूरे फेस पे लगा के इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल देंगे एक ब्रश की हेल्प से, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम आई शेडो पैलेट लेंगे, इसमें से पिंक वाला शेड पिक करेंगे और कितना अच्छा ब्लशर का काम कर दिया है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर इसका, लाइटली लगाना है जस्ट। इसके बाद हाइलाइटर के लिए ये वाइट वाला शेड है, इसमें थोड़ी सी शाइन है इसलिए मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी अपने पूरे फेस पर, और अच्छा खासा हाइलाइटर का काम भी किया आप देखिए, है ना बस। और इसके बाद हम लगा रहे हैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक, शेड मुझे याद नहीं है, लिंक दे दूंगी इस बार, पक्का दे दूंगी, हर बार भूल जाती हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद हम लेंगे ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक, ये देखिए आप चाहो तो ये भी कलर रख सकते हो। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक, काफ़ी ज़्यादा बजट में अच्छा है बस। तो एक बिंदी हमने लगा ली और थोड़ा सा हम ग्रीन कलर फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लाइनर नहीं अप्लाई करे हैं, इससे थोड़ा सा डार्क लुक आएगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो बस फटाफट से हम रेडी हो गए हैं और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, पहन लेते हैं जू। और ये जो ज्वेलरी है मैंने अमेजोन से ली थी, लिंक मैं नीचे दे दूंगी आप देख लीजिएगा। तो ग्रीन और पर्पल कलर की साड़ी है, प्लेन ग्रीन मेरे पास नहीं थी तो मैंने काम चलाओ के लिए यही रख लिया। और कोई भी कमी लगी हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। कोई भी नया लुक देखना है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलिएगा, जल्दी मैं शेयर करूँगी। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।